आज मैं बना रही हूँ दाल, जिसमें मैंने डाली 8-9 वाली लहसुन, 4 ग्रीन चिल्ली और ऐड कर रही हूँ उसमें तुअर दाल मैंने डाल दिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पालक, इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टोमेटो, इसमें मैंने टमाटो डाल दिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ इमली मैंने ऐड किया इसमें। ये मैं बना रही हूँ दाल पालक, अब ये इमली डाल दिया मैंने। इसमें ऐड कर रही हूँ 3 ग्लास पानी, ग्लास पानी डाल दिया है। अभी इसको मैंने गैस के ऊपर रख दिए हैं। मैं अभी इसमें डालूँगी 1/2 स्पून टर्मरिक हल्दी, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून ऑयल, क्योंकि इसमें तुअर दाल गया है जिसको गलने के लिए डालना होता है, तो मैंने डाल दिया। अब मैं चेक कर रही हूँ कि उसमें आवाज़ आ रही क्या नहीं। बाद में हो गया था सीटी, 4-5 सीटी लगे बाद मैंने कुकर को खोल के देखा, पर पूरी गैस निकले बाद ही सीटी निकालना चाहिए। तो आप लोग भी पूरी गैस निकले बाद ही सीटी निकालिए। अभी मैं उसको घोट रही हूँ कि दाल पूरी तरह से गल जाए, दाल दाल जैसे नहीं दिखे तो वो अच्छा नहीं लगता है, दाल गल जाएंगी तो अच्छा लगता है। तो मैं उसको अच्छे से घोट रही हूँ, देखिए दाल दाल नहीं दिखेगा उसमें, जो जैसे कच्ची दाल रहती वैसे नहीं दिखेगी, दाल पूरी गल गई, देखो नहीं दिख रही है। अभी मैं इसको बघारने के लिए ली हूँ करी लीफ, कड़ी पत्ता, रेड चिल्ली, 2 रेड चिल्ली लिए थे मैंने, और राई, ज़ीरा, ये मैंने लिए थे बघारने के लिए। और जो जिसमें दाल निकलना था वो तो पहले मैंने ले लिया था, उसमें डाली हुई मैंने तेल। अब इसमें डाली मैं हींग, क्योंकि ये तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग की दाल, ये सबसे गैस होता है, तो हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसको डाल दी है दाल के अंदर, तेल के अंदर सॉरी, मैंने डाल दिया है। अब ये गर्म हो गया अच्छे से, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी दाल। तो हम बघारने के लिए अलग से कढ़ाई वढ़ाई लेते हैं, तो उसे जो हम वही तपेली ले जिसमें हमको दाल निकालना होता है, तो मुझे दाल वो तपेली में निकालना था इसलिए मैंने उसी में बघार दिया। ये हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोरिएंडर। कोरिएंडर अच्छा लगता है जैसे ग्रीन ग्रीन, देखिए अच्छा लगेगा जब मैं ऐड करूँगी, देखो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी कोशिश करती हूँ सबको सपोर्ट करूँ, और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, मैं सबके वीडियो में आने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून सॉल्ट। सॉल्ट मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, आप लोग भी ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हो सके तो कम यूज़ करिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चावल चढ़ा दी थी, चावल बन गया था। अब ये मैं तेल गरम करके इसमें पापड़ तल रही हूँ, दाल चावल के साथ पापड़ अच्छा लगता है, तो ये मेरा पापड़ मैं तल रही थी जो कि हो गया था पापड़ भी। ये देखिए पापड़ भी अच्छे से तल गया था, गैस लो करके पापड़ भी तल लेना चाहिए। और ये हो गया था मेरा रेडी, मैं दाल चावल निकाल रही थी, मेरी बेटी खाने के लिए रेडी थी, वो बोल रही अम्मी दाल चावल निकाल के मुझे दे दो, भूख लग रही है, तो मैंने उसके लिए दाल चावल निकाल के दे दी और हो गया मेरा दाल चावल रेडी। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मैं भी कोशिश करते रहूँगी सबके चैनल पे आऊँ, इतने लोगों के चैनल पे आना नहीं होता है, फिर मैं कोशिश करती हूँ सबके चैनल पे आऊँ, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो
एक साथ जुट मिल के रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया मेरा, पापड़ भी बहुत सारा लिया था मैंने, शुक्रिया।